काफ़ी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, तो बताइए और कितने उत्साहित हैं इस चीज़ को लेकर? बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। अच्छा चल रहा है हमारा कहानी, ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रही है। आर्यन और महुआ की केमिस्ट्री, उनके झगड़े नोकझोंक, और हमारी जो नई फैमिली आई है वो भी बहुत अच्छे हैं। शाबाश सर हैं, ऑफकोर्स उन्हें भी सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। सो अच्छा लग रहा है सबके साथ काम करके, अच्छे सीन्स आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है। तो गोद भराई का जो सीक्वेंस है, तो सारे परिवार रहेंगे यहाँ पे, तो कितना परिवर्तन होगा आगे चल के, जो भी चीज़ होने वाला है, प्यार बढ़ेगा, जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, क्या होने वाला है? हाँ बिल्कुल, अब गोद भराई है महुआ की फाइनली, सो खुशी का माहौल है, सब खुश हैं। पर ये माहौल ऐसे ही बरकरार रहता है या कोई नया कहानी में ट्विस्ट आता है, झेलम क्या करती है वो जब आप देखेंगे तब पता चलेगा। तो जब से आर्यन की एंट्री हुई शो में, तो कितना शो और इंटरेस्टिंग बना है, और आर्यन जो कैरेक्टर है वो आपको कितना इन्फ्लुएंस किया है अभी तक? बहुत अच्छा लग रहा है एंड वो अच्छा कर रहा है, सो अच्छा लग रहा है। स्टोरी काफ़ी चेंज हो गई है हमारी नई फैमिली आने के बाद, आर्यन के आने के बाद कहानी ने मुड़ लिया है बड़ा, और बाकी सब लोग चले गए हैं फैमिली वाले, तो महुआ उनको भी ढूंढने में लगी हुई है, परेशान है, और महुआ की लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, सो बस वो निपटती रहती है प्रॉब्लम्स से। तो अभी सीन चल रहा था उसके बारे में बताइए। अभी जो सीन चल रहा था उसमें आप लोगों ने देखा ही है कि महुआ नींद में थी, वो सो रही है, उसे जो है उसकी सासू माँ वो पानी में कुछ दवा मिला के पिला देती हैं बेहोशी की, सो महुआ बिल्कुल होश में नहीं है, महुआ को पता नहीं है। तो अब जब आप टेलीकास्ट देखेंगे तब आपको पता चलेगा क्या हुआ। ठीक है, थैंक यू, जाना चाहूँगा किरदार को लेकर कितने उत्साहित हैं और कब से आप इस किरदार से जुड़े हैं और शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। जब मुझे इस कैरेक्टर का ब्रीफ आया था तो मुझे कहा था कि नेगेटिव है, अपने भाई के सामने एकदम हाँ जी हाँ जी हाँ जी करता रहेगा, लेकिन जब मौका मिलेगा ऐसे तो ये अपने भाई को भी नहीं छोड़ेगा, मतलब इस तरह का कैरेक्टर है ये प्रमोद का। और कहा था कि मतलब मेरा इन शॉर्ट मोटिव है कि भाई का रास्ता साफ करो, और ये जितनी प्रॉपर्टी है, हवेली है, ये सब मेरे नाम पे करना है मुझे। ऐसे सेम किरदार मैं पंड्या स्टोर में भी कर रहा हूँ, जहाँ पे भी ऑलमोस्ट मेरा सेम कैरेक्टर है, जहाँ वो नेगेटिव है, वो ओपनली नेगेटिव है, यहाँ पे फ़र्क इतना है सिर्फ कि ये पीछे से नेगेटिव है, मतलब मौका मिलेगा तो घर पे किसी को भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन अपने भाई के सामने हाजी भैया जी भैया जैसे भी अपने शॉर्ट में देखा होगा, अरे भैया क्या बात कर रहे हैं, और गया तो भाई के मतलब चाकू लिया और भाई के बीच में घुसा दिया, ये वो किरदार है। मैं आपसे चाहूँगा आपका जो किरदार है और ये शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है शो? अभी हमारी नई एंट्री हुई है इस शो में, और ये कैरेक्टर है जो बहुत शेड्स वाला कैरेक्टर है, आप इसको डायरेक्टली ब्लैक या वाइट नहीं बोल सकते, इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, क्योंकि जैसा सर ने बताया प्रमोद जो कैरेक्टर है मेरा हस्बैंड जो बना है, सो उसका कैरेक्टर भी ऐसा ही है, तो सेम कैरेक्टर सुलेखा का है जो मेरा कैरेक्टर है, कि सामने तो बहुत अच्छी अच्छी बनती है सबके, बहुत मीठा बोलती है, सब कुछ बहुत अच्छा करती है, लेकिन जैसे उसे मौका मिलता है वो पीठ पीछे छुरा भोंकने वालों में से है, और वो आई ही इसलिए है इस घर में कि ये सारी प्रॉपर्टी हथियार ले, इस पे सब पे अपना कब्जा कर ले, बेटा वारिस बन सके इस घर का। हाँ, इस बात का उसको बहुत गर्व है कि उसने बेटा पैदा किया है, तो वो बहुत जल्दी क्योंकि उसका बेटा वारिस बनेगा तो वो इस घर पे राज करेगी, वो रानी बनेगी यहाँ। अब जैसे कि चल रहा है ट्रैक कि महुआ ने गुड न्यूज दी है कि अब वो माँ बनने वाली है, तो हम ये चाहेंगे कि वो बच्चा पैदा ही ना। हमारा एक सीन भी गया हुआ था जहाँ हम बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक हम बच्चा पैदा होने देंगे नहीं, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो करते रहेंगे, इस तरह का ट्रैक है आगे। और आज का सीक्वेंस बहुत बढ़िया था, उसको बहुत बढ़िया से बहुत एक्साइटेड, आप देख रहे हैं तैयारी एकदम जोर शोर से चल रही है, मैं हमारी हवेली सजी हुई है एकदम दुल्हन जैसी, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, कुछ कॉमिक है, कुछ सस्पेंस है, कुछ थ्रिलर है, कुछ इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो जब ऑडियंस देखेगी टेलीकास्ट तो उन्हें बहुत मजा आएगा, क्योंकि हमें शूट करने में बहुत मजा आने वाला है। सर एक मिनट।